भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी परिवारवाद के कटघरे से भी दूर खड़ी होती है। तुष्टिकरण की राजनीति के बड़े आरोपों से फिलहाल दूर दिखती है। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के कांग्रेस मुक्त नारे को असल में आम आदमी पार्टी ने ही पंजाब में पूरा किया है और तब आज की शपथ के बाद वादों को निभाने का अग्निपथ है आम आदमी पार्टी के सामने। पंजाब यानी खुशहाली और उन्नत खेती का राज्य, जहां प्रति व्यक्ति आय देश के बहुत से राज्यों से कहीं ज्यादा है। लेकिन 1986 तक जिस राज्य में कर्ज लेने की नौबत कभी सरकार को नहीं आती थी, उसी राज्य की हालत ये कि जब पंजाब बनने के बाद पहली बार कांग्रेस और अकाली दल दोनों को सत्ता से बाहर करके आम आदमी पार्टी कुर्सी संभाल रही है, तब पंजाब कर्ज के बोझ में है। 2017 में पंजाब पर 1,87,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। 5 साल के भीतर यही कर्जा बढ़कर 2,52,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। मैं भगवंत मान ईश्वर भी सोच चुका हूं कि मैं कानून द्वारा स्थापित पार्टी। ऐसे में शपथ के बाद कुर्सी तो मुख्यमंत्री पद की भगवंत मान संभाल लेते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में सचिवालय से जितनी ऊंचाई से बाकी लोग मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, इतनी ही ऊंचाई पर अब जनता की उम्मीदें भी हैं। महिलाओं को क्या उम्मीद है? महिलाओं में से अगर आप बात करें, क्या उम्मीद है? संत है ये जी, पंजाब एक नंबर ते आएगा, नशा दूर होएगा, जड़े बेजुर्गार बच्चे फिर रहे हैं, ठीक है, नौकरी बिना नौकरियां। तो ये जो कहा था कि 1,000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को, हाँ जी मिलेंगे, सारी तो उम्मीद लाई हुई है। अगर सिर्फ मोटे मोटे वादे को देखें, पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा पूरा करना है। दावा है कि इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा भी पूरा करना है। अनुमान है कि इसमें करीब 12,000 से 14,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था मान सरकार को करनी होगी। यानी सिर्फ दो वादे निभाने में ही 36,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार के खजाने पर आएगा। बाकी शिक्षकों को पक्की नौकरी देने में भी खर्च होना ही है, तो कर्ज में डूबा राज्य ये पैसा कहां से लाएगा? अरविंद केजरीवाल इसका हिसाब पहले बता चुके हैं। पंजाब का बजट टोटल है 1,70,000 करोड़। आपके हिसाब से कितना परसेंट करप्शन होता होगा एक ठेका अगर दिया जाता है तो? लोग कहते हैं 40% है, 50% है, सारा खा जाते हैं। मैं कहता हूं 20% मान लो, तो 34,000 करोड़ रुपए का तो करप्शन ही हो गया। इस पैसे को बचा लेंगे जैसे दिल्ली में बचाया? रेते का बिजनेस है, वहां पे रेते में इतनी चोरी है, अगर ये रेते की चोरी बच गई तो 20,000 करोड़ यहां से आएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल बनाने दिखाने में सफल रही है। लेकिन दिल्ली में ही सरकार चलाने के दौरान राज्य और केंद्र संबंधों की खिचखिच अब पंजाब जैसे बड़े राज्य में और बड़ी हो सकती है। तब क्या आम आदमी पार्टी के लिए असली चुनौती अब पैदा होने जा रही है? खटकड़ कला से कमलजीत संधू के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक।